पेट्रोल पंप संचालक उपभोक्ताओं से किस तरह लूट कर रहे हैं उसका एक नजारा ओम साई चंद्रा फिलिंग स्टेशन निगरी में देखने को मिला, जहां एक लीटर पेट्रोल में 90% पानी 10% पेट्रोल उपभोक्ता को मिल रहा है। ओम साई चंद्रा फिलिंग स्टेशन निगरी में बाइक में पेट्रोल भराने स्थानीय युवा पहुंचे, जहां एक व्यक्ति ने बाइक में पेट्रोल भराया। कुछ देर बाद उसकी बाइक बंद हो गई। उसने आसपास के लोगों को बताया तो वहीं दूसरे व्यक्ति ने बोतल में एक लीटर पेट्रोल लिया, जिसमें बोतल के ऊपर पेट्रोल दिख रहा था, वहीं 90% पानी। उसके बाद उपभोक्ताओं ने हंगामा कर दिया। हंगामे के बाद निगरी पुलिस चौकी में शिकायत की गई, जहां जांच के लिए पहुंची निगरी चौकी प्रभारी रूपा अग्निहोत्री ने पेट्रोल का सैंपल लिया और बताया कि SDM विकास सिंह के संज्ञान में यह बात लाई जा चुकी है और उन्होंने फूड इंस्पेक्टर से जांच कराए जाने की बात कही है। जाँच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि BK शुक्ला जब से जिले के आपूर्ति अधिकारी बनाए गए हैं तभी से कुछ ज्यादा ही इस तरह की गड़बड़ियां पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा की जा रही हैं। सिंगरौली से राजू दुबे की रिपोर्ट। 100 रुपए का डलाए थे तो उसमें छुट्टा पानी निकला। कहाँ आपको कैसे पता चला इसमें पानी है? तो हम जैसे डला के खड़ा किए गाड़ी, ये यादव लड़का आया, वो बोलता है मेरा गाड़ी वहाँ तक गए चालू ही नहीं हो रहा है। वो डब्बे में वापस लाया, हम बोले कि हमारे सामने लीटर निकालो, निकाला तो उसमें पूरा वायर दिख रहा है। वो आप उसके बाद में नोजल से चालू करवाया तो नोजल से भी छुट्टा पानी निकल रहा है। ओम साई चंद्रा पेट्रोल पंप निगरी का जो मैटर आया है वो मेरे संज्ञान में आया है। मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया है कि जो भी क्षेत्रीय लोग थे उनके द्वारा ये बताया गया कि ये लोग पेट्रोल और डीजल में पानी मिलाकर के बेच रहे हैं, जिसके सैंपल के तौर पर वो लोग ही बॉटल में 2-3 बॉटल में लेकर आए हुए हैं। उनको मैंने रखवा लिया है और SDM सर से मेरी बात हुई है, उन्होंने बोला है कि वो अपने फूड इंस्पेक्टर को भेज रहे हैं, सैंपलिंग लेकर जांच की जाएगी, जांच के बाद जो भी रिजल्ट आएंगे उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अपने जो यहाँ से टीम गई थी वहाँ पर देखने के लिए, वो टीम अपने हाथ से खुद डिब्बे में निकलवा के लाई? हाँ, मेरा एक आरक्षक गया हुआ था, उसने भी बताया कि ये मेरे सामने ही निकाला गया है। तो वो सारी सैंपलिंग जो भी है बॉटल में है रखवाया गया है। SDM सर जो अभी अपनी टीम भेजेंगे फूड इंस्पेक्टर, उनके द्वारा सैंपलिंग कर जाँच के लिए भेजा जाएगा और जाँच में जो भी चीज़ें आएंगी वो सब फिर आप लोगों को अवगत करा दी जाएंगी। और अगर जैसा कि शिकायतें मिल रही हैं वो अगर शिकायत पर सत्यता पाई गई तो फिर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।